करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं स्केलर्स। क्या होते हैं? वेक्टर थोड़ी होते हैं बे, स्केलर होते हैं। करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते हैं? स्केलर्स। उनको रिप्रेजेंट करेंगे हम वेक्टर्स, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एरो से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब इसमें एक डायरेक्शन का रूल है, ये प्लस वाली डायरेक्शन है डेफिनेटली, और ये माइनस वाली, ये हमेशा प्लस लोगे, ये हमेशा माइनस लोगे। अब सपोज किसी ने कहा ओनली रजिस्टर है, क्या चीज है? ओनली रजिस्टर। ओनली रजिस्टर के अक्रॉस मान लो करंट का फेजर बनाया मैंने, उसी को फेजर्स बोलते हैं। टॉपिक इज फेजर्स। व्हाट इज अ फेजर? इट इज रिप्रेजेंटिंग करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बाय अ वेक्टर इंस्टेड ऑफ अ स्केलर, ठीक है। एंड हमने कहा, हमने फेजर बना दिया किसका? करंट थ्रू रजिस्टर का। तो हम ये कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर भी सेम फेज में होगा, हाँ या ना? जो ये फेजर बनाया है, ये या तो आरएमएस वैल्यूज के बनते हैं या ये पीक वैल्यूज के बनते हैं। क्या चीज? जो ये वेक्टर्स बनते हैं, ये किस चीज के बनते हैं? या तो आरएमएस वैल्यूज के या पीक वैल्यूज के। तो तुमने कहा ओनली रजिस्टर में करंट की पीक वैल्यू थी आई नॉट, तो हम ये कहेंगे पोटेंशियल इज इन सेम फेज एज करंट, एंड उसकी वैल्यू हो जाएगी वी नॉट। वी नॉट को लिख सकता हूं मैं आई नॉट आर, आई नॉट आर ओनली रजिस्टर है। मतलब मान लो तुमने एक फेजर बना दिया पोटेंशियल डिफरेंस का, तो फिर कह दोगे करंट इज इन सेम फेज एंड दैट विल बी वी नॉट बाय आर। ये तो किसके लिए बना दिया मैंने? ओनली रजिस्टर के लिए। अब इसी को समझने का प्रयास करते हैं ओनली कैपेसिटर के लिए। ओनली कैपेसिटर के लिए, ओनली कैपेसिटर में मैंने कहा ये मान लो वोल्टेज का है वी नॉट, इसमें क्या होता है? करंट अहेड पोटेंशियल बाय 90 डिग्री। मैंने कहा ये वाला प्लस वाला साइन है, तो करंट शुड बी इधर की तरफ वेक्टर, एंड दैट विल बी वी नॉट आई नॉट, आई नॉट विल बी वी नॉट बाय एक्ससी। अगर तुमने ये करंट का फेजर बना दिया होता कैपेसिटर में, तो तुम कहोगे पोटेंशियल का फेजर फिर इधर बनेगा, एंड दिस विल बी वी नॉट, वी नॉट विल बी आई नॉट एक्ससी। ये बना दिया मैंने सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर के लिए, हाँ या ना? ओनली इंडक्टर, ओनली इंडक्टर हमने कहा ये बना दिया मान लो मैंने करंट का आई नॉट, इसमें क्या होता है? पोटेंशियल अहेड करंट। तो पोटेंशियल ऐसे बनना चाहिए वी नॉट शुड बी आई नॉट एक्सएल, एक्सएल हो जाएगा ओमेगा एल। और मान लो ये तुमने पोटेंशियल डिफरेंस का बनाया होता तो करंट का फिर पीछे होता, एंड आई नॉट विल बी वी नॉट बाय एक्सएल। ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई अच्छे से? कैसे करना है? तुम कहोगे क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या बोला? अगले आधे घंटे तक ये मत पूछना कि क्यों, ये समझना कैसे कैसे कर रहा हूं मैं, हाँ या ना? वेक्टोरियली, अच्छा अब तुम कहोगे कि मैंने ये भी तो लिखा है कि आरएमएस या पीक। मैंने कहा यहां जहां पे आई नॉट लिखा और वी नॉट लिखा, इट कुड हैव बीन रिप्लेस्ड बाय आई आरएमएस एंड वी आरएमएस, कि भाई हमारे पास ये हो गया वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू, तो करंट की फिर हमारी आरएमएस वैल्यू हो जाएगी वी आरएमएस बाय एक्सएल। तुम कहोगे ये चीज ट्रू है? हाँ ट्रू है, क्योंकि पीक वैल्यूज डिवाइडेड बाय रूट टू वुड बी योर आरएमएस वैल्यूज, हाँ या ना? अब दोनों तरफ रूट टू से डिवाइड करते तो पीक की जगह क्या बन जाएगा? आरएमएस बन जाएगा। तो या तो सारे फेजर किसके बनाओगे? आरएमएस के, या सारे फेजर किसके बनाओगे? पीक के। ये मत कर देना एक ही क्वेश्चन में कुछ फेजर तो आरएमएस के बना दिए, कुछ पीक के बना दिए। मोस्ट ऑफ द बुक्स एक्चुअली ड्रॉ फेजर ऑफ आरएमएस, एंड आई विल ऑलवेज ड्रॉ फेजर ऑफ पीक। It doesn't really matter. यहां तक का समझ में आ गया? Next topic would be circuits, alternating current circuits. Circuits का मतलब है हमें सिर्फ कैपेसिटर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रजिस्टर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंडक्टर नहीं चाहिए। ऐसा हो सकता है रजिस्टर कैपेसिटर आरसी सर्किट, हमारे पास ऐसा हो सकता है एलआर सर्किट सीरीज में,
ऐसा हो सकता है LC सर्किट, ऐसा भी हो सकता है LCR सीरीज सर्किट, देन पैरेलल सर्किट LR सर्किट, पैरेलल सर्किट RC सर्किट। हाँ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो वो सारे टॉपिक्स अब हम इसको फेजर्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। अब सुनो, हमारे पास दो तरह के सर्किट होंगे, सीरीज या पैरेलल, सीरीज या पैरेलल सर्किट्स, हाँ या ना? सबसे पहले जो फेजर बनेगा, सबसे पहले फेजर बनाना है तुम्हें किस चीज का? कॉमन थिंग का। कॉमन थिंग का फेजर सबसे पहले बनना है, इट हैज टू बी ड्रॉन फर्स्ट। सीरीज में क्या कॉमन होता है? करंट। और पैरेलल में क्या कॉमन होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका मतलब सीरीज सर्किट में सबसे पहले करंट का फेजर बनेगा, और पैरेलल सर्किट में, वैसे तो पैरेलल सर्किट आते ही नहीं तुम्हारे मेंस में और नीट में, एडवांस में आते हैं, लेकिन पैरेलल सर्किट में क्या आता है? सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस का पहले फेजर बनेगा। अब सपोज करो, चलो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं क्या करना है हमें। मान लो क्वेश्चन है, एक रेजिस्टर लिया, एक कैपेसिटर लिया, और उसके अक्रॉस अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, ठीक है? आधार समझ में आया कि नहीं आया? मान लो ये अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दे दी V नॉट साइन ओमेगा T प्लस फाइव नॉट, बोल दिया V नॉट साइन ओमेगा T प्लस फाइव नॉट। अब वो क्या पूछेगा इस क्वेश्चन में, बता रहा हूं मैं क्या पूछ सकता है। भाई ये बताओ, इस क्वेश्चन में अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कुछ अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस है, तो जो करंट बनेगा वो भी अल्टरनेटिंग करंट बनेगा। वो ये पूछेगा भाई अल्टरनेटिंग करंट बना, उसकी पीक वैल्यू कितनी है? अंदर क्या बनेगा? साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट प्लस सम एंगल या माइनस सम एंगल। तो फिर वो पूछेगा कि इसके साथ कितने फेज डिफरेंस पे है। एग्जैक्टली तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें निकालना है करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, एंड व्हेन यू वांट टू फाइंड करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, यू वांट टू फाइंड करंट की पीक वैल्यू एंड यू वांट टू फाइंड करंट की फेज। फेज इस पूरे को बोलते हैं, और फेज डिफरेंस क्या हो गया? इसके साथ फेज कितना आगे पीछे है, हाँ या ना? नॉट ओनली दैट, यू विल नीड टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। इसका मतलब इसकी पीक वैल्यू और उसका फेज, VC as a function of time t, उसका पीक वैल्यू एंड उसका फेज, अगर ये निकालना आ गया तो सब चीजें निकल जाएंगी। साथ में एक और चीज पूछता है इस क्वेश्चन में, फाइंड Z, विच इज कॉल्ड एज इंपीडेंस ऑफ सर्किट। बताऊंगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर सब समझ में आ जाएगा कि किस चीज को इंपीडेंस बोल रहा है। क्वेश्चन तो समझ में आया ना, क्या निकालना है हमें? आरसी सर्किट है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाई है, हाँ या ना? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है वी, इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है वी आर, इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है वी सी। क्या मैं ये कह सकता हूं वी इज इक्वल टू वी आर प्लस वी सी? ये किस चीज से बोला तुमने? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से बोला। सीरीज पैरेलल कुछ भी बकवास करता रहेगा, ये किस चीज के हिसाब से बोला तुमने? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से बोला कि इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी इसका पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसका पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन ध्यान रहे कि जो ये तुम लिख रहे हो, ये क्या मैं कह सकता हूं तुम टाइम टी पे कह रहे हो, हाँ, कि किसी इंस्टेंट का पोटेंशियल डिफरेंस इसका उस इंस्टेंट का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इस इंस्टेंट का इसका पोटेंशियल डिफरेंस। ये किसी इंस्टेंट पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगता है। केवीएल किस पे लगेगा? किसी इंस्टेंट पे लगेगा। क्या तुम नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते ना? ये क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जरूरी नहीं ना पीक वैल्यूज एक साथ आए, जरूरी थोड़ी है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल की पीक वैल्यू आई, उसी के साथ इसकी पीक वैल्यू भी आई, और उन दोनों पीक वैल्यूज का सम फिर इसका पीक वैल्यू हो गया। पीक वैल्यूज पे तुम नहीं कह सकते कि ऐसे सम हो जाएगा, नहीं होएगा, ये नहीं होएगा। इनफैक्ट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है?
क्योंकि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, क्या हो सकता है, दोनों की पीक एक साथ आना जरूरी नहीं है। केवीएल लगेगा टाइम टी पे, हाँ या ना, पीक वैल्यूज में सम नहीं होगा। यहां तक की बात समझ में आ गई पक्का? अब हमने कहा कुछ करंट मान लो इसमें, ये इस एरो का कोई मतलब नहीं है, इस एरो का कोई मतलब नहीं है, बस बताने के लिए करंट भी था कुछ। अब फेजर बनाते हैं, इसमें सबसे पहले फेजर किसका बनाऊं, कॉमन चीज का, करंट का बनेगा, आई नोट बना दिया। फिर मैंने सोचा जब ये करंट कॉमन है ना, ये करंट जब रजिस्टर में जाएगा तो रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, उसकी पीक वैल्यू हो जाएगी आई नॉट आर एंड इन सेम फेज एज करंट, एज इन से इज इन सेम फेज एज करंट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर इज इन सेम फेज एज करंट। अब यही करंट तुमने भेजा कैपेसिटर में, करंट अहेड पोटेंशियल, तो पोटेंशियल नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा वी सी नॉट, ये हो जाएगा आई नॉट एक्स सी। अब तुम क्या कह रहे हो, केवीएल क्या बोल रहा था, V इज इक्वल टू वी आर प्लस वी सी, ठीक है, वी आर इज वी आर, वी इज वी आर प्लस वी सी, ये टाइम टी पे वैलिड था, लेकिन पीक वैल्यूज को कैसे ऐड करोगे, वेक्टोरियली। मैंने तुमसे कहा तुम ये अभी तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, क्यों क्यों कैसे क्यों, मैंने कहा क्यों तो बताना ही नहीं अभी, अभी तो प्रोसीजर देखो कि कैसे कर रहा हूं मैं, हाउ आई एम गोइंग अबाउट इट। आई एम सेइंग तुम्हें इन दो को ऐड करके ये बनाना था, इसका मतलब इनकी पीक वैल्यूज को क्या बनाओगे, वेक्टोरियली ऐड कर दोगे, तो इन दोनों को वेक्टोरियली ऐड करोगे तो क्या बनेगा, ऐसे, और ये बन जाना चाहिए वी नॉट, तो वी नॉट बेसिकली क्या आया, अंडर द रूट ऑफ वी सी नॉट का स्क्वेयर प्लस वी आर नॉट का स्क्वेयर का अंडर द रूट। हाँ ये वी नॉट ही आएगा ना, कि इसकी जो इसका जो रिजल्टेंट बना, इन दोनों का जो रिजल्टेंट बना वो वोल्टेज बनना चाहिए, लेकिन मैंने कहा उसकी पीक वैल्यू क्या बनेगी, पीक वैल्यूज का जो फेजर बना रहा हूं, आई एम ड्रॉइंग फेजर्स ऑफ पीक वैल्यूज, तो इसकी पीक वैल्यू, उनका रिजल्टेंट क्या बनेगा, वोल्टेज की पीक वैल्यू। तो ये बन गया हमारा आई नॉट अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, हाँ या ना, यही तो बना। तो ये बन गया तुम्हारा V नॉट इज I नॉट रूट ऑफ R स्क्वेयर प्लस XC स्क्वेयर। क्या मैं कह सकता हूं V पीक अपॉन I पीक इज रूट ऑफ R स्क्वेयर प्लस XC स्क्वेयर, इसी को इंपीडेंस बोल देते हैं। व्हाट इज इंपीडेंस, जो तुमने वोल्टेज लगाई है पूरी सर्किट पे और जो तुम्हारा करंट जा रहा है उसका पीक वैल्यूज का रेशियो इज कॉल्ड एज इंपीडेंस ऑफ सर्किट। व्हाट इज इंपीडेंस ऑफ सर्किट, अप्लाइड वोल्टेज की पीक वैल्यू एंड जो अंदर करंट गया उसकी पीक वैल्यूज का रेशियो। इसकी यूनिट ऑब्वियसली क्या होगी, ओम्स होगी, हाँ या ना। तो हमने कहा इंपीडेंस ऑफ दिस सर्किट इज अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्सी स्क्वेयर, एक्सी को लिख सकते हो 1/ωc। मैं वेरिएबल्स के टर्म्स में बात कर रहा हूं और क्वेश्चन पक्के से न्यूमेरिकल टर्म्स में आएगा, वो इनकी वैल्यूज दे देगा, आर दे देगा, सी दे देगा, ओमेगा दे देगा, फाइ नॉट दे देगा, हाँ या ना। यहां तक का समझ में आया, ये कुछ कर दिया मैंने। अब तुम्हें क्वेश्चन पे जाना है, क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्या गिवन था, वोल्टेज गिवन था, क्या गिवन था, वीटी गिवन था, वीटी गिवन था। तो बेसिकली क्या मैं कह सकता हूं, ये वाला वेक्टर का गिवन था, रेड वाला वेक्टर गिवन था, क्योंकि ये वोल्टेज बना है ना वी नॉट, हाँ या ना। तो करंट इससे क्या है, थीटा एंगल आगे है, क्यों, क्योंकि मैंने ये डायरेक्शन पॉजिटिव बोली थी, ये डायरेक्शन नेगेटिव बोली थी, और टेन थीटा भी निकाल सकता हूं, टेन थीटा कितना आ गया एक्स सी बाय आर, टेन थीटा कितना आ गया एक्स सी बाय आर। फिर मैं कहूंगा आई टी कितना हो गया, आई टी हो गया वी नॉट डिवाइडेड बाय रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट प्लस टेन इनवर्स एक्स बाय आर।
ये समझ में नहीं आया तो नाउ इज द टाइम टू आस्क. मैंने कहा I is equal to I not sin omega t plus theta लिखना होता है कुछ, हाँ या ना? तो मैंने कहा भाई देखो वोल्टेज ये था तो करंट की पीक वैल्यू हो गई V not by Z, V not by Z. इसका फेज था sin omega t plus phi not और उससे theta एंगल आगे है, अहेड है करंट हमारा. तो करंट क्या आ गया हमारा V not by Z, क्या बोल दो, V not by Z sin omega t plus phi not प्लस थीटा, ये हमारा करंट आ गया. अभी भी शांति नहीं मिली, हमें दो चीजें और पूछनी थी, वी आर और वी सी. वो चाहो तो इनको देख के भी बना सकते हो, जब हम बोल रहे हैं उसे सुन लो. चाहो तो फेजर देख के भी कर सकते हो और नहीं तो सीधा करंट को देख के भी कर सकते हो. करंट को देख के कैसे कह सकते हो, हम ये कह सकते हैं वी आर कितना हो जाएगा, वी आर हो जाएगा V not by Z, ये तो हो गई करंट की पीक वैल्यू इनटू R, क्योंकि यही था हमारा V R not was I not R sin omega t plus phi not plus theta, क्योंकि वो सेम फेज एज करंट होगा. अब मैं VC भी लिख सकता हूं, VCT क्या हो जाएगा, V not by Z into XC sin ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट प्लस थीटा माइनस पाई बाई टू. क्वेश्चन समझ में आ गया, गॉट इट, अब लिख लो. कोई डाउट आ रहा है अभी पूछो. प्रोसीजर समझ में आ रहा है कैसे मैं आई एम गोइंग ओवर द क्वेश्चन. अरे भाई वीसी कैसे लिखा गया, करंट ये लिखा, करंट मैं बताऊं कैसे सोचा मैंने, करंट ये लिखा और मैंने कहा जब ये करंट गया कैपेसिटर में तो करंट की पीक वैल्यू इनटू एक्सी इस पोटेंशियल डिफरेंस की पीक वैल्यू और करंट का जो फेज था, करंट का जो फेज था वो था ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट प्लस थीटा, ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट प्लस थीटा, करंट अहेड पोटेंशियल, तो पोटेंशियल इज 90 डिग्री पीछे देन करंट. मैंने उस पे देखा भी नहीं, मैंने सीधा इस एक्सप्रेशन से कर दिया और चाहता तो इससे भी सोच सकता था कि करंट के फेज से 90 डिग्री पीछे है तो पोटेंशियल का फेज क्या लिखूंगा, ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट प्लस थीटा माइनस 90, हाँ या ना? और पोटेंशियल डिफरेंस की पीक वैल्यू हो गई आई नॉट एक्ससी. आई नॉट कितना था, वी नॉट बाय जेड. तुम्हें समझ में आया कैसे लिखा, कूल समझ में आया? तो जब लिख रहे होते हैं तब भी पूछ सकते हैं. हमारे पास गिवन क्या है इससे फर्क नहीं पड़ रहा प्रोसीजर पे, बिल्कुल नहीं समझे. मान लो मैंने क्वेश्चन उठाया, इधर देखो, सब इधर देखो बोर्ड की तरफ, ये रजिस्टर है और ये इंडक्टर है, हैप्पी, और ये हमारे पास कुछ अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस है, ये आर है, ये L है, ये कौन सा सर्किट हो गया, LR सीरीज सर्किट, LR सीरीज सर्किट. तो मैंने कहा भाई इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहेगा V इज VR प्लस VL एंड दैट इज वैलिड फॉर टाइम T. मैंने कहा पीक वैल्यूज के लिए वैलिड नहीं है, दैट्स व्हाट किरचॉफ वोल्टेज लॉ सेज, हाँ या ना? उसके बाद मैंने कहा फेजर बनेगा सबसे पहले करंट का, तो करंट की पीक वैल्यू बना दो आई नॉट, डायमेंशनली डिफरेंट चीज बना रहा हूं अब. मैंने कहा जब ये करंट है तो रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम फेज में होगा, दैट्स वी आर नॉट इज आई नॉट आर, इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल अहेड करंट ये हो गया VL नॉट, दैट्स I नॉट XL, हाँ या ना? इनका रिजल्टेंट ले लूं, क्यों? क्योंकि KVL कह रहा था दोनों पोटेंशियल्स को ऐड करो, तो ये आ जाएगा V नॉट, V नॉट विल बी I नॉट रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, इसको लिख दिया I नॉट
जेड, ये एंगल बोल दिया थीटा, जहां पे टेन थीटा हो गया, यहां पे टेन थीटा हो गया एक्सएल बाय आर, एक्सएल बाय आर, हाँ या ना? यहां तक की कहानी समझ में आ गई। इसको बोल दिया हमने इंपीडेंस, इसको हमने बोल दिया इंपीडेंस ऑफ सर्किट। यहां तक का समझ में आ गया? अब तुम वही क्वेश्चन क्या था, मैंने कहा अरे ये तो बताना ही भूल गया क्या गिवन था, इसका मतलब क्या गिवन था उस पर तुम्हारा ये प्रोसीजर डिपेंड नहीं कर रहा, तुम्हें करना यही है हमेशा। मान लो क्वेश्चन में गिवन था, मान लो क्वेश्चन में गिवन था करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी इज आई नॉट, चलो साइन की जगह और थोड़ा कंफ्यूजन करें, कॉस ओमेगा टी, ये गिवन था करंट इज आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो फिर मैं कहूंगा इस फेजर पे जाऊंगा, मैं कहूंगा ये करंट है और ये पोटेंशियल है, इसका मतलब पोटेंशियल लिखना पड़ेगा मुझे, तो मैं सीधा कहूंगा वी टी इज आई नॉट जेड कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। भैया ये डायरेक्शन पॉजिटिव थी और ये डायरेक्शन नेगेटिव थी, यहां तक की बात समझ में आई है? पोटेंशियल आगे है ना करंट से, साथ में और क्या लिखोगे? वी टी निकाल लिया, आई टी से डायरेक्टली लिख दो वी आर, वी आर को लिख दोगे आई नॉट आर कॉस ओमेगा टी, और इसको लिख दो वी एल, वी एल को लिख दोगे आई नॉट एक्सएल कॉस ओमेगा टी प्लस 90, सब आ गया, हाँ या ना? अगर इस क्वेश्चन में ये कहता कि करंट नहीं गिवन था, पोटेंशियल गिवन था, नया क्वेश्चन बनाते, वी टी इज वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो तुम्हें ये वोल्टेज गिवन है और तुम कहते करंट पीछे है, तो करंट को लिखूंगा वी नॉट बाय जेड साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, साथ में वी आर को, अब मैंने कहा वी आर फिर आई सी लिखते ना सीधा, दैट इज वी नॉट बाय जेड इनटू आर साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, एंड साथ में वी एल भी लिख दो वी नॉट बाय जेड इनटू एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस थीटा प्लस 90। क्या समझ में आया? इसीलिए किताबों वाले अंत तो कई बार क्या करते हैं अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में एलआर एज अ थ्योरी दे दिया, एलआर सीरीज एज अ थ्योरी, आरसी एज अ थ्योरी, थ्योरी में दे दिया, क्वेश्चन के अंदर समझाया ही नहीं। लेकिन असलियत यह है कि जब भी क्वेश्चन आएगा तुम्हें यह काम करना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में तुम्हें याद तो क्या कितना याद करोगे, सबका रट के बैठ जाओगे क्या? हालांकि कुछ है नहीं इसमें, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें यह करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ, और ये जो करना पड़ेगा दैट विल बी इररिस्पेक्टिव ऑफ कि गिवन क्या था उसमें, करंट गिवन था या पोटेंशियल डिफरेंस गिवन था, हाँ या ना? और आई थिंक जो मैंने निकाला उसमें सब निकल गया, उसके अंदर हमारा जो करंट है उसकी पीक वैल्यू भी आ गई, उसका फेज भी आ गया, वी आर की पीक वैल्यू भी आ गई, उसका फेज भी आ गया, वी एल की पीक वैल्यू भी आ गई और उसका फेज भी आ गया, हाँ या ना? एंड इंपीडेंस भी आ गया, इंपीडेंस हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का अंडर द रूट, हाँ या ना? गॉट इट और नॉट? पक्का? आर यू श्योर? टफ था? लिख लो। मान लो पहला वाला कौन सा कराया था मैंने, आर सी, ये आर है ये सी है, मैं तो दोबारा रीकैप करा रहा हूं लिटरली कि भाई क्या करना है। सबसे पहले इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी है, इसके अक्रॉस वी आर है, इसके अक्रॉस वी सी है, तो वी इज इक्वल टू वी आर प्लस वी सी, दिस इज वैलिड फॉर सम इंस्टेंट, करंट कुछ ले लिया आई, तो हमने कहा सबसे पहले फेजर बनाया आई का, फिर हमने कहा ये करंट जब गया रजिस्टर में तो रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वी आर नॉट, That's I not
R, current ahead potential, that's VC naught, is I naught XC. This will be V naught. That will be I naught root R square plus XC square. That's I naught Z. This angle would be theta, where tan theta is XC by R. हाँ है ना, उसके बाद सोचेंगे भाई गिवन क्या था. गिवन कुछ था ही नहीं, मजे में कर रहे थे क्वेश्चन. क्या कर रहे थे? हाँ, तो मान लो एक बार क्वेश्चन में गिवन था आई इज आई नॉट साइन ओमेगा टी. अच्छा वीसी ले लें, वीसी टी दिया हुआ था, उससे भी हो जाएगा. हाँ हो जाएगा, थोड़ा मेहनत लगेगी. और दूसरा कर लो, वी इज वी नॉट साइन ओमेगा टी. ये क्वेश्चन वन है, ये क्वेश्चन टू है. तो अगर ये करंट दिया हुआ था, मैंने कहा देखो भाड़ में जाए, कुछ भी नहीं देख रहा मैं सिर्फ एक लाइन में बोल दूंगा वी आर तो हो गया आई नॉट आर साइन ओमेगा टी, वी सी हो गया आई नॉट एक्स सी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू. करंट अहेड पोटेंशियल होता है. और इन दोनों का एक्चुअली जो समेशन है टाइम टी पे वो वी बनना चाहिए. तो वो वी कितना आ रहा है, वी कितना आ रहा है, सोच रहा हूं वी कितना आ रहा है हमारा, सीधा देख के बोला मैंने, दैट्स आई नॉट जेड साइन ओमेगा टी माइनस टेन इनवर्स एक्स सी बाय आर. समझ में आया कि भाई इसका फेज साइन ओमेगा टी है, ओमेगा टी है, तो इसका फेज एंगल थीटा पीछे है, इसका फेज एंगल थीटा पीछे है. अब अगर मान लो वोल्टेज गिवन था, वोल्टेज गिवन था, तो पहले आई टी निकालो. आई टी आ जाएगा वी नॉट बाय जेड साइन ओमेगा टी प्लस टेन इनवर्स एक्स सी बाय आर. फिर ये आई टी है, तो फिर सीधा वी आर निकल जाएगा और वी सी निकल जाएगा. वी आर हो जाएगा वी नॉट बाय जेड इन टू आर साइन ओमेगा टी प्लस टेन इनवर्स एक्स सी बाय आर. और वी सी हो जाएगा वी नॉट बाय जेड इंटू एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस टेन इनवर्स एक्स सी बाय आर माइनस पाई बाय टू. तो ये करंट इज अहेड ऑफ पोटेंशियल बाय 90 डिग्री. करंट अहेड ऑफ पोटेंशियल बाय 90 डिग्री. Am I right? हो गया. And more fun would be कि ये क्वेश्चन में ऐसे आया ही नहीं कुछ. उन्होंने कहा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 100 वोल्ट और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 200 वोल्ट. तो जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी पीक वैल्यू कितनी है? आंसर में दिया एक ऑप्शन तो दिया 300, एक दिया 300 रूट टू, एक दिया 100 रूट पांच और एक दिया 100 रूट टेन. नौ बच्चे अलग, ये क्या हो गया? अगर कौन सा होगा एक्चुअली में, जब भी वो ऐसे कभी कह देगी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है, तो तुम्हें पहचान में आना चाहिए जब भी वो कहेगी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इतना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इतना, जो ये बल्ब है इसकी रेटिंग इज 200 वोल्ट, जो ये रजिस्टर है इसकी रेटिंग इज 100 वोल्ट. यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दे ऑलवेज गिव यू आरएमएस वैल्यू. ऐसे कभी कोई कह दे ना 100 वोल्ट, दैट मींस दिस इज आरएमएस, दिस इज आरएमएस, पीक नहीं है ये. तो इस क्वेश्चन को टेक्निकली कैसे करना चाहिए था? यू शुड हैव सेड सबसे पहले फेजर बनेगा करंट का, आरएमएस का. जब ये करंट गया हमारा, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम फेज में होगा और वो भी क्या हो जाएगा? आरएमएस. करंट अहेड पोटेंशियल, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल पीछे की तरफ हो जाएगा 200. ये हो गया कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की आरएमएस वैल्यू. और उनका रिजल्टेंट निकालूंगा तो ये V
आरएमएस निकलेगा जो कि 100√5 होगा, ये आरएमएस निकला है। तो पीक वैल्यू 100√5 इंटू √2 तो 100√10 आंसर होगा, ये आंसर। और बहुत से बच्चे तो 300 मार्क करके आएंगे, वो तो कहेंगे हो हमने डीसी सर्किट पढ़ा था, 100+200 डन। हाँ या ना, दिस क्वेश्चन वुड हैव बीन बेटर अगर ये 100 वोल्ट और 200 वोल्ट ऐसे ना देके शायद बोल देता कि इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर है, उसकी रीडिंग 100 वोल्ट है, फिर तो डेफिनेट था कि आरएमएस है। हाँ या ना, क्योंकि योर हीट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स ऑलवेज मेजर आरएमएस। लेकिन इन एनी केस अगर वो कह भी देना पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, तो अनलेस ही मेंशंस कि वो कौन सा, तो वो आरएमएस ही लेना पड़ेगा। कुछ नहीं बताया तो आरएमएस लोगे। और इसमें ट्रिक क्वेश्चन क्या हो सकता है, ट्रिक क्वेश्चन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, क्योंकि मैंने देखा है किसी ना किसी बुक में, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर एट सम इंस्टेंट इज 100 वोल्ट एंड अक्रॉस कैपेसिटर एट दैट इंस्टेंट इज 200 वोल्ट, तो फिर आंसर 300 होगा, क्योंकि व्हाट ही हैज सेड इज कि वी आर एट दैट इंस्टेंट इज 100, वी सी एट दैट इंस्टेंट इज 200 एट दैट इंस्टेंट, दैट मींस दैट वी शुड बी नथिंग बट द सम ऑफ टू। समझ में आया कि नहीं आया, बट दैट वॉज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड रियलाइज व्हेन ही सेज कि एट सम इंस्टेंट, एट सम इंस्टेंट, and if it says nothing you would assume it to be RMS and then it has to be done using vectors, using phasors। हाँ, phasors हमेशा RMS या peak values के लिए बताएंगे। वो तो मैंने starting में बोला था, always draw phasors either for RMS values or for peak values। Generally I will be talking about the peak values and they will always be book wale or will always be talking about RMS values। अच्छा, बाय द वे इंस्टेंट वाली बात समझ में आई थी ना, कि अगर ये इंस्टेंट का 100 बोल दे और इंस्टेंट का 200 बोल दे तो ये इंस्टेंट का कितना होगा, 300। लेकिन ये मोर देन वन चॉइस करेक्ट है, ऐसा भी तो हो सकता था कि ये प्लस माइनस माइनस प्लस तो 100 होता, तो 100 होता, तो दो ऑप्शन करेक्ट हो सकते थे कि इंस्टेंट का दे दिया 100, इंस्टेंट का आरएमएस और पीक नहीं दिया, इंस्टेंट का दे दिया 100 200, ये पोलैरिटी तो बताई नहीं, तो अगर ये प्लस माइनस होता फिर 300 होता, और अगर ये प्लस माइनस और ये माइनस प्लस होता तो फिर 100 होता। वो कह रही है कि क्या हो रहा है, मोर देन वन चॉइस करेक्ट आंसर हो जाता। समझ में आया बेटा? गाइस सुनो, ये जो सुनो, मैं आगे ना भाग के मैं कुछ सिंपल चीज बताऊंगा, ध्यान से समझो। ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर, बस लिखने की भी कुछ खास जरूरत नहीं है, देख लो पहले समझ लो, क्योंकि ये चीज मैं कर चुका भी। ये R है, ये L है, मान लो करंट दे दिया I नॉट साइन ओमेगा t। हाँ या ना, तो तुमने क्या किया था, तुमने तो ये कहा था कि करंट हो जाएगा I नॉट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर हो जाएगा I नॉट R, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर हो जाएगा आगे I नॉट XL, इनका रिजल्टेंट हो जाएगा I नॉट रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर इज V नॉट, ये हो जाएगा थीटा, और tan थीटा हो जाएगा XL बाय R, उससे तुमने VT लिख दिया, VT लिख दिया I नॉट रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस टेन इनवर्स एक्सएल बाय आर, ये लिखा ना। मैं कहूं एक्चुअली में फेजर इज अ नाइस वे ऑफ सेइंग कि मान लो करंट ये दिया होता आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये दिया है, तो क्या मैं लिख सकता हूं वी आर हो जाएगा आई नॉट आर साइन ओमेगा टी, वी एल क्या हो जाएगा I नॉट XL साइन ओमेगा टी प्लस
प्लस 90, हाँ या ना? ये हो जाएगा I नॉट XL cos ओमेगा t, ये हो गया VL at time t, ये हो गया VR at time t. तो V at time t क्या हो जाएगा? VL at time t plus VR at time t, हाँ या ना? करो इन दोनों को ऐड, इसको और इसको, तो ये हो गया I नॉट R sin ओमेगा t प्लस I नॉट XL cos ओमेगा t. I नॉट को कॉमन ले लिया, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ये आ गया R अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर sin ओमेगा t प्लस XL अपॉन अंडर द रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर cos ओमेगा t, हाँ या ना? इसको लिख दिया, मान लो cos अल्फा, इसको लिख दिया sin अल्फा, ये हो गया sin ओमेगा t प्लस अल्फा, तो ये हो गया sin ओमेगा t प्लस अल्फा. अब अल्फा को क्या लिख दूं? tan अल्फा इज दिस बाय दिस, तो प्लस अल्फा को लिख दिया tan इनवर्स XL by R is I naught root of R square plus XL square. This is V at time t. क्या मैं ये कह सकता हूँ? Phasor is nothing but an elegant way of adding these two things. Can I see that? What adding what? A sin omega t plus B cos omega t. वैसे काफी आसान. एक लाइन में यही तो हो रहा है. तो फेजर इज जस्ट अ ट्रिक टू ऐड दीज टू थिंग्स विदाउट गोइंग इनटू दिस थिंग, हाँ या ना? अब लिख सकते हो व्हाट इज अ फेजर. फेजर इज टेक्निकली एन एलिगेंट वे ऑफ एडिंग वी आर टी एंड वी एल टी टू गेट वी टी एट टाइम टी, हाँ या ना? Now you don't understand why this is important. If you realize this is an elegant way of adding them, so we can compare this with SHFT equations. Question hai ki x1 is a1 sin omega t and x2 is a2 sin ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, एंड दो एस एच एम है, ये दो एस एच एम है. तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता था? एक्स वन प्लस एक्स टू, हाँ या ना? बाय क्या प्रिंसिपल ऑफ क्या बोलते थे? सुपर पोजिशन. तो ये हो गया ए वन साइन ओमेगा टी प्लस ए टू कॉस फाइव नॉट साइन ओमेगा टी प्लस ए टू साइन फाइव नॉट कॉस ओमेगा टी. ये हो जाएगा ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव नॉट साइन ओमेगा टी प्लस ए टू साइन फाइव नॉट cos ओमेगा t. इसको बोल दो c, इसको बोल दो d, तो ये बन जाएगा रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर c sin ओमेगा t अपॉन रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस d अपॉन रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर cos ओमेगा t, हाँ या ना? इसको बोल दिया हमने cos अल्फा, इसको बोल दिया हमने sin अल्फा, तो ये बन गया रूट ऑफ, अच्छा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर क्या बनेगा? a1 वन प्लस ए टू कॉस फाइव नॉट का होल स्क्वायर प्लस ए टू साइन फाइव नॉट का होल स्क्वायर
इनटू साइन ओमेगा टी प्लस टेन इनवर्स डी बाय सी। हाँ है ना, सिंप्लीफाई करना है, कितना आ रहा है, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए वन ए टू कॉस थीटा प्लस ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज ए टू स्क्वायर। तो ये बन जाएगा रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइ नॉट साइन ओमेगा टी प्लस टेन इनवर्स डी हो जाएगा हमारा ए टू साइन फाइ नॉट अपॉन ए वन प्लस ए टू कॉस फाइ नॉट, ये हो गया। तो इन दोनों SHMs का सुपरपोजिशन इज दिस SHM जिसका नए का एम्पलीट्यूड ये है और जिसकी इनिशियल फेज ये है। बड़ी मेहनत से निकाला हमने। अब एक एक दूसरे तरीके से सोचो, हमने कहा एक्सिस बना दी, x1 क्या था a1 sin omega t, तो ये तो बना दिया वेक्टर a1, और x2 का क्या था a2 sin omega t plus phi naught, और एग्रवित omega t plus phi naught plus phi naught है तो a2 इधर बना दो, प्लस ये वाली डायरेक्शन प्लस थी, ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव थी, ये phi naught पे बना दिया। अब ये वाला फेज कौन सा था, omega t वाला, हाँ या ना। अब इनका रिजल्टेंट निकाल लो, प्रॉपर इसको रिजॉल्व कर दो, a2 sin phi naught और a2 cos phi naught करके। बात समझ में आई या नहीं आई? तो x कंपोनेंट तो कितना हो गया, a1 plus a2 cos phi naught, और y कंपोनेंट कितना हो गया, a2 sin phi naught। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ए एट एंगल थीटा, हाँ या ना, जहां पे टेन थीटा हो जाएगा दिस बाय दिस, और ए हो जाएगा एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर का अंडर द रूट, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर द रूट, जो कि अगेन कितना निकल जाएगा, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइ नॉट, जहां पे टेन थीटा निकल जाएगा हमारा ए टू साइन फाइ नॉट अपॉन ए वन प्लस ए टू कॉस फाइ नॉट। अब ये बताओ एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा फेज था, ओमेगा टी, तो हम कहेंगे ये जो बना है ये बना है, ये इसको कैसे लिखेंगे इक्वेशन को, सीधा लिख देंगे ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। एस एच एम है एक्स वन इज ए वन साइन ओमेगा टी, एक्स टू इज ए टू साइन ओमेगा टी। दोनों एस एच एम का अगर ओमेगा सेम होता है तो उनका सुपरपोजिशन भी एस एच एम होता है, कि एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता था कि उनकी डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड कर दो, और फिर वो ये कहता है सॉरी ये तो ओमेगा टी ही था, ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट ले लो, फाइ नॉट हो गया फेज डिफरेंस बिटवीन द टू एसएचएम्स, ए वन ए टू हो गया दोनों का एम्पलीट्यूड, एक का एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दोनों का ओमेगा सेम है, दोनों का ओमेगा सेम है, तो वो ये पूछेगा कि ये जो रिजल्टेंट एसएचएम बनेगा उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा एंड उसका इनिशियल फेज कितना होगा, हाँ या ना। किसी को अगर याद है तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आता था अंडर द रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाई नॉट, और थीटा आता था टेन इनवर्स, टेन इनवर्स ए टू साइन फाई नॉट अपॉन ए वन प्लस ए टू कॉस फाइ नॉट, कैसे आता था, ऐड करो एक्स क्या आ जाएगा, ए वन साइन ओमेगा टी
प्लस ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट था, इसको लिख दो ए टू साइन ओमेगा टी कॉस फाइव नॉट प्लस ए टू कॉस ओमेगा टी साइन फाइव नॉट, इसको लिख दो ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव नॉट, डोंट डू दैट साउंड, साइन ओमेगा टी प्लस ए टू साइन फाइव नॉट कॉस ओमेगा टी, ये कुछ कांस्टेंट है, ये कुछ कांस्टेंट है, इसको बोल दो सी, इसको बोल दो डी, सी साइन ओमेगा टी प्लस डी कॉस ओमेगा टी, तो इसको लिखा जा सकता है अंडर द रूट ऑफ सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर साइन ओमेगा टी प्लस टेन इनवर्स डी बाय सी, सी साइन ओमेगा टी प्लस डी कॉस ओमेगा टी था, ये था ना, ये क्वांटिटी क्या है, सी साइन ओमेगा टी प्लस डी कॉस ओमेगा टी, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से, सिर्फ सी साइन ओमेगा टी अपॉन रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस डी अपॉन रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, इसको लिख दो कॉस अल्फा और फिर ये बन जाएगा साइन अल्फा, साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा, कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा, दैट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, और टेन अल्फा हो जाएगा दिस बाय दिस, तो टेन अल्फा हो गया हमारा डी बाय सी, अल्फा हो गया टेन इनवर्स डी बाय सी, अब समझ में आया, अब इसको क्या लिख सकता हूं, इस चीज को रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी कितना है हमारा ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव नॉट का होल स्क्वायर प्लस ए टू साइन फाइव नॉट का होल स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस टेन इनवर्स ए टू साइन फाइव नॉट अपॉन ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव नॉट, ये एसएचएम बोल रहा है, इसको सिंप्लीफाई कह दो, ये हो जाएगा ए वन स्क्वायर प्लस ए टू कॉस स्क्वायर प्लस ए टू साइन स्क्वायर प्लस टू ए टू ए वन ए टू कॉस फाइव नॉट, तो ये बन जाएगा रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव नॉट साइन ओमेगा टी प्लस दिस होल क्वांटिटी, इसका मतलब इन दो एस एच एम्स का सुपरपोजिशन, एक एस एच एम है जिसका एम्पलीट्यूड तो ये है और उसका इनिशियल फेज ये पूरा है, इनिशियल फेज टाइम टी पे फेज ये पूरी चीज हो जाता है, हाँ या ना, ये तरीका मैंने करना सिखाया था 11th क्लास में, जो तुम में से किसी को याद नहीं है, तो गाइस दिस वाज अ प्रीटी बैड वे ऑफ सॉल्विंग दिस थिंग, यू नो दैट दिस इज द टेक्निकल वे, दिस इज व्हाट हाउ इट शुड हैव बीन डन, बट दिस इज अ प्रीटी बैड वे, क्वेश्चन इज सिंपली यू हैव टू ऐड दीज टू थिंग्स, यू हैव टू सिंपली ऐड एक्सिस बना दो ए वन साइन ओमेगा टी, ये ओमेगा टी वाला फेज हो गया, लो तो इधर बना दिया ए वन साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट है तो ऊपर बना दो ए टू एंगल फाइव नॉट पे, अब इनको रिजॉल्व करके ऐड कर दो, तो इधर की तरफ तो आ जाएगा ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव नॉट, इधर आ जाएगा ए टू साइन फाइव नॉट, इनका रिजल्टेंट आ जाएगा ए एट एंगल थीटा, अब इसका फेज कितना था ओमेगा टी, एक्स एक्सिस का फेज कितना था ओमेगा टी, उससे ये एंगल थीटा आगे है, तो आंसर लिख देंगे ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, हो गया, मैंने बोला इसका फेज था ओमेगा टी,
और ये ए कहां पर है, एंगल थीटा आगे। तो आंसर क्या लिख दूंगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब ए क्या हो गया, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर द रूट, और टेन थीटा क्या हो गया, दिस बाय दिस। सीधा आंसर वही आया, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाई नॉट, और थीटा आ गया टेन इनवर्स ए टू साइन फाई नॉट अपॉन ए वन प्लस ए टू कॉस फाई नॉट। हाँ या ना? So, इसको मैं यूज कैसे कर सकता हूं, मान लो मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट बनाया, x1 इज सपोज 2 साइन ओमेगा टी, x2 इज 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3, या सपोज से पाई बाय 6 कर दो, पाई बाय 6, एंड x3 इज 6 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 3। एंड क्वेश्चन है कि एक्स टी सुपरपोजिशन ऑफ दीज थ्री एसएचएम्स करना है, क्या मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वो एसएचएम होगा, क्योंकि तीनों का ओमेगा सेम है। तो बेसिकली तुम्हें रिजल्टेंट एसएचएम का एम्पलीट्यूड भी निकालना है और इनिशियल फेज भी निकालना है, एम्पलीट्यूड भी निकालना है और इनिशियल फेज भी निकालना है, हाँ या ना? सो क्या करेंगे, ओमेगा टी वाले का एक वेक्टर बना दो, तो इधर एक वेक्टर बना दो 2 का, और ये बना दो 30 डिग्री, 4 का बना दो 30 डिग्री ऊपर, और 6 का बना दो 60 डिग्री नीचे, ये ओमेगा टी वाला है, हाँ या ना? इसको मैथमेटिकल करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको खोलना पड़ेगा, साइन ए प्लस बी फिर साइन ए माइनस बी करके खोलोगे, साइन ओमेगा टी के तीन कोफिशियंट बनेंगे, एक 2 बनेगा, एक 4 कॉस पाई बाय 6 बनेगा, एक 6 कॉस पाई बाय 3 बनेगा, एंड में साइन ओमेगा टी अलग लेके जाओगे, कॉस ओमेगा टी अलग लेके जाओगे, इट विल बिकम लाइक सी साइन ओमेगा टी प्लस डी कॉस ओमेगा टी, और फिर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर करके देखना, मजा आएगा, समझ में आ रहा है, करके देखना मजा आएगा, उससे भी निकाला जा सकता है, हाँ या ना? ठीक है, लेकिन दैट्स नॉट अ नाइस वे, नाइसर वे वुड बी कि इनको रिजॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 4 साइन 30, ये तो हो गया 2, 4 का कॉस 30 ये हो गया 2 रूट 3, 6 साइन 60 हो गया 3 रूट 3, 6 कॉस 60 हो गया 3, तो हम ये कह सकते हैं रिजल्टेंट आएगा एक्स एक्सिस में आ गया 5 प्लस 2 रूट 3, हाँ या ना? और इधर आएगा 3 रूट 3 माइनस 2, रिजल्टेंट आ जाएगा ए हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ 5 प्लस 2 रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3 रूट 3 माइनस 2 का स्क्वायर का अंडर द रूट एट एंगल थीटा, वे tan थीटा वुड बी 3 रूट 3 माइनस 2 अपॉन 5 प्लस 2 रूट 3, हाँ या ना? और फिर इक्वेशन लिख दूंगा डायरेक्टली, ए साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, क्योंकि इसका ओमेगा टी था और ये नीचे है, सो दैट्स योर आंसर। कराए भी होगा शायद 11th में, मैंने फ्रेजर से ऐड करना ट्रिक बताई थी मैंने विदाउट एक्सप्लेनिंग कि व्हाई इट वर्क्स, फ्रीजर में को याद आया, हाँ, के कराया था मैंने, मान लो ये L है, ये C है और ये बैटरी है, ये L है, ये C है, ये बैटरी है, हाँ या ना? बात समझ में आ गई? तो हमने कहा भाई इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसके अक्रॉस VL है, इसके अक्रॉस VC है,
So V is equal to VL plus VC. But this is valid for time t at some instant, because that's your Kirchhoff's voltage law. हाँ या ना? और इसमें करंट सपोज से कुछ आई है, फेजर के हिसाब से सोचा जाए तो हम कहेंगे किसी इंस्टेंट पे क्या करोगे तुम, करंट का फेजर बनाओगे, बिकॉज दैट्स द कॉमन थिंग, करंट आई नॉट हो गया। अब करंट अहेड पोटेंशियल इन कैपेसिटर, तो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा वी सी, ये हो जाएगा आई नॉट एक्सी, ये हो जाएगा वी एल, ये हो जाएगा आई नॉट एक्सएल। हाँ या ना यार? अब हमें हमें क्या करना है, पीक वैल्यूज को ऐड करना है वेक्टोरियली। क्या मैं कह सकता हूं इसमें दो केस बनने वाले हैं, क्योंकि इसमें आई थिंक एक केस तो क्या बनेगा, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी। इफ एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी तो इनका रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आ जाएगा, दैट इज आई नॉट एक्सएल माइनस एक्ससी, दिस इज वी नॉट और ये आई नॉट था। हाँ या ना? क्या मैं कह सकता हूं इसमें ओवरऑल देखा जाए तो पोटेंशियल इज अहेड ऑफ करंट, इसमें ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल पोटेंशियल इज अहेड ऑफ करंट। सो दैट मींस दिस होल थिंग इज बिहेविंग लाइक प्योर एल, इट इज बिहेविंग लाइक प्योर एल, वेयर एक्सएल इफेक्टिव इज नथिंग बट एक्सएल माइनस एक्ससी। डज दैट मेक सेंस? हाँ या ना? अब क्वेश्चन में गिवन क्या था, वी टी, मान लो वी टी गिवन था वी नॉट साइन ओमेगा टी, क्या था वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो बेटा आई टी कितना होगा, आई एज अ फंक्शन ऑफ टी, दिस विल बी योर वी नॉट अपॉन एक्सएल माइनस एक्ससी, दिस इज ऑल्सो योर इंपीडेंस, दिस इज ऑल्सो योर इंपीडेंस साइन ओमेगा टी माइनस 90, क्योंकि ये तो पोटेंशियल का था ना, ये करंट का था। अच्छा ये करंट का हो गया, तो उसके बाद VC क्या हो जाएगा, V नॉट अपॉन XL माइनस XC इंटू XC साइन करंट अहेड पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस 180। हाँ या ना? और VL क्या हो जाएगा, V नॉट अपॉन XL माइनस XC इंटू XL साइन ओमेगा टी माइनस 90 प्लस 90, तो दैट इज साइन ओमेगा टी। ये केस वन हो गया, ये केस वन हो गया। केस टू, एक्ससी ग्रेटर देन एक्सएल। यार अगर एक्ससी ग्रेटर देन एक्सएल है तो इसका मतलब ये तो फेजर आई नॉट का रहा, ठीक है, इधर बन जाएगा वी नॉट इज आई नॉट एक्ससी माइनस एक्सएल। क्या मैं कह सकता हूं दिस इज बिहेविंग लाइक प्योर कैपेसिटर, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, करंट अहेड पोटेंशियल, पोटेंशियल हमारा 90 डिग्री पीछे चल रहा है। ओके, वेयर योर एक्ससी इफेक्टिव इज एक्ससी माइनस एक्सएल। अब पोटेंशियल क्या गिवन था, वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट क्या हो जाएगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी या आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90, क्योंकि वोल्टेज का फेज से 90 डिग्री आगे है, तो हमारे पास करंट क्या हो जाएगा, वी नॉट अपॉन एक्ससी माइनस एक्सएल, एक्ससी माइनस एक्सएल साइन ओमेगा टी प्लस 90। अच्छा अब ये करंट आ गया तो VC लिख सकता हूं, V नॉट XC अपॉन XC माइनस XL साइन ओमेगा T प्लस 90 माइनस 90। आया ना? और VL लिख सकता हूं, V नॉट XL अपॉन XC माइनस XL साइन ओमेगा T
प्लस 180। ये समझ में आया कि नहीं आया? पक्का पक्का समझ में आ गया? दिस इज बिहेविंग लाइक प्योर कैपेसिटर, दिस इज बिहेविंग लाइक प्योर इंडक्टर, एंड मैथमेटिकली स्पीकिंग बोथ द आंसर्स आर एग्जैक्टली द सेम। क्योंकि अगर ध्यान से देखो तो काईटी क्या है, वी नॉट अपॉन एक्सएल माइनस एक्ससी साइन ओमेगा टी माइनस 90। इसको क्या लिखोगे? माइनस ऑफ 90 माइनस ओमेगा टी, हाँ या ना? दैट इज कॉस ओमेगा टी। तो इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो माइनस कॉस ओमेगा टी। अब इस वाले को करके देख लो, साइन ओमेगा टी प्लस 90 क्या हो जाएगा? नहीं, सीधा कॉस ओमेगा टी होगा। और ये कॉस ओमेगा टी है, यहां पर है वी नॉट अपॉन एक्ससी माइनस एक्सएल, और यहां पर नेगेटिव साइन है वो नीचे एडजस्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा? वी नॉट अपॉन एक्ससी माइनस एक्सएल कॉस ओमेगा टी। तो मैथमेटिकली स्पीकिंग तो दोनों केसेस सेम है, लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो ये प्योर इंडक्टर है, ये प्योर कैपेसिटर है। अच्छा, ये फेजर से कुछ मतलब समझ में आ रहा है? VL इधर है, VC इधर है। डू यू रियलाइज दे आर एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज? They are exactly out of phase मतलब phase difference 180 का। तो इसकी peak है तो इसकी trough है, इसकी peak है तो इसकी trough है। तुम समझे नहीं हो, question बनाया उन्होंने, इसकी reading दी हुई है 300 volt, इसकी दी हुई है या 200 volt? What is this? इसकी peak value, what is V naught? तो सबसे पहले फेजर बनाओगे, करंट का फेजर बनाया, फिर VL को क्या लिख दोगे? 300, VC को क्या लिख दोगे? 200। और ध्यान रखना कि ये कौन सी वैल्यूज हैं? RMS वैल्यूज हैं। तो वोल्टेज नेट क्या निकल के आ रही है? 100, दैट इज V RMS। कैसे बिहेव कर रहा है ये सर्किट? प्योर इंडक्टर की तरह, प्योर इंडक्टर की तरह, क्योंकि करंट से 90 डिग्री आगे है वोल्टेज, हाँ या ना? और वोल्टेज जो नेट है उसकी आरएमएस वैल्यू 100 है, तो इसकी पीक वैल्यू कितनी हो गई? 100√2। समझ में आया कि नहीं आया? और ऐसे क्वेश्चन लिखा था ना, बस ये बनाया ये बनाया, जो उसे देख के सबसे डर लगता है, ऐसे लगता है कुछ गिवन तो है ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? और सबसे बड़ा मन करता है प्लीज 300 प्लस 200 करके आंसर लिख दूं, बस क्या लिख दूं? क्योंकि डीसी सर्किट में यही करते थे, क्यों पोटेंशियल डिफरेंसेस ऐड हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? वेक्टोरियली ऐड होंगे इसमें, कैसे ऐड होंगे? वेक्टोरियली ऐड होंगे। आज के लिए इतना काफी है।